क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 228 जहां पर आपको एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है वैरायटी दिया है। अब याद रखो जो पार्टनर यहां पर इंसॉल्वेंट होगा उसका कोई भी बैलेंसिंग फिगर आया, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा उस पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, जो पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट होगा उस पार्टनर्स का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, उस बैलेंसिंग फिगर में चाहे प्रॉफिट आए या लॉस आए वो बाकी के दोनों पार्टनर्स, बाकी के दोनों पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। अब जब हम लोग इंसॉल्वेंसी का सम करोगे तब आप यही सीक्वेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, पहले नॉर्मल सम जैसा है, पूरा सम आपका नॉर्मल होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे ध्यान देना है, बैलेंसिंग फिगर, और हमारा बैलेंसिंग फिगर कब आता है, सबसे लास्ट में, बाकी के टाइम पर हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पहला दिया देखो, विद्या शर्मिला एंड मेघा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, 5:3 or 2 का रेशियो है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज अंडर, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स दिए है, कैपिटल अकाउंट विद्या शर्मिला मेघा, करंट अकाउंट सेंट्रीगेटर बिल्स पेबल सेंट्री एसेट बैंक एंड करंट अकाउंट। तो हमें यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाने बोला है, करंट अकाउंट भी बोला है, कैपिटल अकाउंट भी बोला और बैंक, ओके। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फ्रॉम ऑन द अबाउट डेट एज अंडर, सेंट्री एसेट रियलाइजेस 80% ऑफ द वैल्यू, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000, सेंट्री कैटरिंग बिल्स पेपर वेर पेड फॉर 34,000, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट, अंडरलाइन करो मेगा, मेगा इंसॉल्वेंट हो रही है, इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट, यानी सिर्फ और सिर्फ मेघा से 2,000 रुपया ही मिल सकता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द पोस्टिंग पार्ट, सबसे पहले लाइबिलिटी में पहला आइटम क्या दिया है, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, विद्या का कितना है 50,000, शर्मिला एंड मेघा 30,000। नेक्स्ट आते हैं करंट अकाउंट, दो करंट अकाउंट उसमें विद्या और शर्मिला का दिया है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 6,000 एंड 6,000, मेघा नहीं दिया है। सेंट्रीगेटर बिल्स पेबल लायबिलिटी में आ जाएगा, बाय लायबिलिटी वाला पार्ट, सेंट्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, सेंट्रीगेटर कितना और बिल्स पेबल 10,000, टोटल हो गया 38,000। नाउ मूव टू असेट, असेट में पहला दिया है सेंड्री असेट्स 1,28,000, नेक्स्ट दिया है बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 16,000 एंड करंट अकाउंट में मेघा का नाम दिया है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेघा 26,000। पहले हमने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया विदाउट एनी ट्रबल, पहले पोस्टिंग करता, एटलीस्ट पोस्टिंग से तो मार्क्स मिलना चाहिए। पहला सेंट्री एसेट रियलाइज एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, सेंट्री एसेट डेबिट में है, तो उसका रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा, बाय बैंक अकाउंट सेंट्री असेट्स, वो भी कितना बोलता है 80% ना, 1,28,000 का 80% निकालो, 1,28,000 का 80% निकालो, 1,28,000 का 80% निकालो, 12,000, 24,000, 25,000, 4,600 तो माइनस करेंगे तो 1,02,000, चेक करो 2,400, 1,02,400, सिंपल
क्या बोला समझ में आया, 128,000 का 80% निकाल दिया, 102,400 आएगा बेटा ये क्रेडिट में। तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेबिट टू रियलाइजेशन 102,400। नेक्स्ट देखते हैं, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ, पे कर दिया ना, पैसा दे दिया तो बैंक पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। काहे के लिए पे कर रहे हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 8,000, समझ में आ रही बात। इसके अलावा नेक्स्ट एक और लाइन दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी कितना पे कर रहा है, 6,000 पे कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे देखो एक और लाइन दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वे पेड फॉर 34,000। तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल सबको एक साथ ही निपटारा कर दिया, वो भी कितने में, 34,000। तो हमने तीनों आइटम एक साथ कर दिया कि भाई मैंने आउटस्टैंडिंग भी पे कर दिया, मैंने अपना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे कर दिया, मैंने सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल भी पे कर दिया, तो एक ही साथ पे कर दिया, मतलब बैंक अकाउंट के हेडिंग में ही आ गया। इफ यू टेक द टोटल 48,000। अच्छा ये डेबिट में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट हाउ मच, 48,000। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट, मेगा हो गई बर्बाद, Only 2,000 could be recovered, सिर्फ भी 2,000 रुपया आ सकता है। अरे कितना आ सकता है, सिर्फ 2,000 रुपया, तो जो आ सकता है उसको आने दो। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा, मेगा। तो मेगा मैडम आप कितना दे रहे हो, तो मेगा मैडम सिर्फ 2,000 रुपया दे रही है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आया, मेघा। तो बेटा मेघा के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बैंक। इसका मतलब आज के बाद मेघा एक फूटी कौड़ी देने वाली नहीं है बेटा, उसकी मजबूरी है, बिकॉज ही शी इज डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी। वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर रही है, इंसॉल्वेंसी। अब उससे मांग भी नहीं सकते, अगर मांगने की नौबत भी है तो भी दोनों इससे बढ़ जाएंगे, और अगर देने का भी है तो भी देने का नहीं, दोनों इससे आपस में बांट लेंगे, ठीक है। सब कुछ हो गया, अब हम लोग टैली करने की तरफ जाते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, मेघा इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, वो भूलना नहीं हमें। सबसे पहले टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड 128 और 48, तो 176, उसमें से 1,40,400 माइनस करो, 1,40,400 माइनस करो 176 में से, तो 600 यहां पर आया, 5 यहाँ पर आया, 3,35,600। अच्छा ये प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ओके। नाम किसका आएगा, विद्या, शर्मिला एंड मेघा, 5, 3 and 2 रेशियो बोला है ना, 35, 60, 35, 60 into 2, 0, 2 carry 1, 2 5s are 10 plus 1, 11, 7, 10 हटा दिया ना, तो 10 हटाने के बाद क्या आएगा, 3560 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 0s are 0, 3 6s are 18, 3 5s are 15, 1 16, 3 3s are 9 plus 1 10, और 5 6s are 30 carry 3, 5 5s are 25 plus 3 28 carry 2, 5 3s are 15 plus 2 17, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया। अब ये क्रेडिट में, तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेबिट में, क्या बोलेंगे इसको, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, कितना, 17,800, 10,680, 7,120। If you take the total of both the sides, you will going to take कि भाई 17,800 रुपये इसका आया, 10,680 इसका आ गया, and 33,120. So 17,800, 10,680, 33,120. So minus करो सबको, so 11,800, 4,680 और 33,120 बाय
कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर किसका नाम आएगा बेटा? कैपिटल, क्योंकि करंट के बाद कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। अच्छा, ये क्रेडिट में आया तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? डेबिट में। क्या लिखोगे? टू करंट अकाउंट। अभी किसके थ्रू आ रहे हम लोग? करंट 11,800, 4680, 33,120। कोई दिक्कत? सबसे पहला कौन रिटायरमेंट ले रहा है? मेघा। मेघा इंसॉल्वेंट हो रही है तो इसका पहले बैलेंसिंग फिगर निकालो। क्या निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर। तो सबसे पहले देखो मेघा कितना है, 33,120 है ना, और 33,120। तो एज यू नो 30 + 2 = 32 ही हो रहा है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर अगर आप निकालने की कोशिश करो तो 1120 आएगा। समझ में आ रही बात? देखो पार्टनर कौन है? मेघा। ध्यान से देखो ये सीक्वेंस, मेघा हमारी पार्टनर है। मेघा ने क्या किया? इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट होने के बाद उसका क्या देखना है? बैलेंसिंग फिगर। हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या है? 1120। अच्छा, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी के कौन से पार्टनर है? रिमेनिंग पार्टनर। तो बेटा रिमेनिंग पार्टनर मतलब कौन? विद्या और शर्मिला, है ना। कौन से रेशियो में बांटेंगे उनके? तो विद्या का देखो रेशियो क्या है? 5, और शर्मिला का क्या है? 3। तो कैन वी से 5:3, है ना। तो 1120 5 और 3 में डिवाइड करो, तो डिवाइडेड बाय पहले 8 करता हूं मैं, तो 8 × 1 = 8 = 3, 8 × 4 = 32, 140 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 5 करो तो 700 रुपया, मल्टीप्लाइड बाय 3 करो 420 रुपया आ रहा है क्या? देखो तो ये किसका है? विद्या का, और ये किसका है? शर्मिला का। तो बेटा यहाँ पर 1120 ना लिखकर 700 और 420 लिखेंगे, दो एक। अरे समझ में आ रही बात? हम लोगों ने 1120 डायरेक्टली नहीं लिखना है, इसको रेशियो में डिवाइड करके लिखना है। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? बाय विद्या कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम आएगा? बाय शर्मिला कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्रेडिट में है ना, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? डेबिट। बट डेबिट में डालते समय यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? मेघा। अरे उल्टा इफेक्ट हो रहा है, किसका इफेक्ट हो रहा है? उल्टा। तो विद्या के कॉलम में 700 और शर्मिला के कॉलम में 420। अरे बेटा विद्या और शर्मिला केस में मेघा का नाम आया, और मेघा केस में विद्या और शर्मिला का नाम। दैट्स इट। समझ में आया ये पार्ट? कभी भी याद रखो, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट रहने दो या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट रहने दो, इंसॉल्वेंसी के बाद उसको एक फूटी कौड़ी ना तो देंगे ना ही लेंगे। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस है वो बाकी के पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करेंगे। तो विद्या मेघा का भी जो भी बैलेंसिंग फिगर था वो बाकी के दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। अब एडजस्ट करने के बाद चेक करो टोटल, तो यहाँ पे 50 बढ़ा है शायद, है ना, 40 यहाँ पर बढ़ा है। तो 50 एज इट इज लिखो, 40 एज इट इज लिखो। तो 50 में से दोनों माइनस करो, क्या आएगा बताओ? बैलेंसिंग फिगर बताओ बेटा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर बताओ, बैलेंसिंग फिगर, दोनों का बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है? जिंदगी में कुछ तो अपनाना पड़ेगा, और टोटल तो आपको खुद करना पड़ेगा। 8 × 7 = 15, 15 × 5 12 × 12 = 38 सही, 38,500 टोटल 12,500 होता है इसका। इधर देखो टोटल 4 + 6 = 5,100 तो कैन वी से 34,900 चेक करो टोटल बैलेंसिंग फिगर, अगर गलत है तो बताओ। 37,500 चेक है ना, 34,900 नाउ टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का टोटल करो। 1,02 + 16 = 1,18 = 120, 1,20,400 चेक कर आ रहा है क्या? और यहाँ पर भी देखो 0,0 सेम, 9 + 5 = 14 = 1, 9 + 6 = 7 = 16, 16 + 4 = 20 = 2, 4 × 2 = 6 = 9 = 12, 1,20,400 ठीक है। क्लियर? डिफिकल्टी इसमें क्या याद रखना है, समझ में आया? इंसॉल्वेंसी के जितने भी सम्स होंगे
आप उसको प्रैक्टिस करने के टाइम पे इतना याद रखो कि जब तक मैं इंसॉल्वेंसी नहीं करता तब तक के लिए वो मेरे लिए नॉर्मल सम है। मतलब मुझे कितना भी टफ सम आने दो, मैं उसकी पोस्टिंग कर सकता हूँ, उसको इंसॉल्व, उसको मैं रियलाइज कर सकता हूँ, उसका टेकिंग ओवर तो एटलीस्ट करके आ ही सकता हूँ, 10 में से 6 या 7 नंबर तो निकाल सकता हूँ। अगर मैं इंसॉल्वेंसी की तरफ ध्यान दूंगा तो मुझे इतना पार्ट करना पड़ेगा, अगर मैं इतना पार्ट करूंगा तो मुझे 2 नंबर मिलेगा और लास्ट में 1 नंबर टैली करने पर मिलेगा। और अगर सब लोग, मैं इतना जिगरा वाला नहीं हूँ कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट आप पोस्टिंग और उसको रियलाइज करके भी 6 या 7 नंबर हासिल कर सकते हो इजीली। डिफिकल्टी इसमें